very important members of the Ugandan government with whom I had the possibility of sitting down and exchanging views. Now, from community point of view, जब मैं आ रहा था मेरे मन में था what is it I discussed which would be of interest to you? और मुझे लगा कि तीन विषय हैं, ये अभी हुए नहीं है, इसकी बातचीत हो रही है, पर मुझे पूरा लगता है कि ये संभावना जो है we will be able to realize it in the coming days. One was the possibility of direct flight. मैंने कहा संभावना है, पर ये मेरा फर्ज है कि ये संभावना को मैं हकीकत बनाऊं. I told them saying when I go back, I will definitely take it up with our civil aviation authorities, with my civil aviation minister counterpart, and I hope next time I come, and I will come very soon, and I will tell you why I will come very soon. So the next time I come, I hope that I will come on a direct flight. The second issue, और ये युगांडन साइड से उन्होंने काफी इस पे रुचि प्रकट की, whether it is possible to have an Indian hospital here. I am sharing it with you not as a promise but as an expectation from you people, कि आप लोग जो है आप में से कोई ना कोई ये सपना जो है इसको पूरा कर पाए. ये मैं आपको एक किस्म से चैलेंज दे रहा हूं. टुडे मेनी युगांडन्स, मेनी ऑफ यू गो बैक टू इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, एंड द टाइम हैज कम, क्योंकि जो कोविड महामारी का समय जो था, ऑल ऑफ अस हैव बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हेल्थ फैसिलिटीज वेरी क्लोज बाय. एंड यू नो हेल्थ इंडस्ट्री इन इंडिया इज टुडे today Indian doctors, Indian hospital, Indian specialists, they are of a very high order. मुझे लगता है कि जब कभी कभी लोग soft power की बात करते हैं तो आप सोचिए कि हमारी जो medical capability जो है ये भी एक किस्म से soft power है, और हम तो जरूर चाहेंगे कि यह soft power जो है युगांडा की धरती में भी प्रकट हो. तीसरा विषय जो था ये था कि मैंने काफी विस्तार से राष्ट्रपति मुसेवेनी जी को भारत में जो डिजिटल परिवर्तन जो हो रहा है, कि बड़े बड़े डिजिटल पब्लिक डिलीवरियां हो रही हैं, उसके बारे में मैंने बात की, और मुझे लगा उनसे, उनके मंत्रियों से और कुछ और लोगों जिनसे मैं मिला, कि जो भारत में जो डिजिटल प्रगति जो हुई है, जो आप सब जानते हैं कि आधार कार्ड के कारण आज बहुत सारे योजना, बहुत सारे जो लाभ जो आम आदमी को सरकार से जो मिलती है वो डिजिटल माध्यम से मिलती है, और ये भी जो है जो इसको इंडिया स्टैक हम कहते हैं, कि भारत की जो डिजिटल कैपेबिलिटी, डिजिटल एक्सपीरियंस जो है वो हम बाकी देशों के साथ कैसे शेयर करें, और उसमें जब हम जो हम हमारे साझेदारों को देखते हैं तो इसमें जरूर युगांडा जो है इसका जो प्रायोरिटी जो है वो साफ दिखाई देता है. अब मैं आपको ये भी कह थोड़ा मेरे साइड से मैं शेयर करना चाहूंगा कि आप लोगों के बारे में राष्ट्रपति जी ने क्या कहा, और मैं यह सचमुच आपको कहूंगा कि मुझे जो गर्व जो महसूस हुआ कि इंडियन कम्युनिटी के बारे में ही वॉज सो वार्म, सो अप्रिशिएट व्हाट इंडियन कम्युनिटी हैज डन टू बिल्ड युगांडा, द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू आर. When I reach Delhi, I will certainly tell Prime Minister कि हमारे यहां परंपरा है कि जब भी विदेश मंत्री बाहर जाते हैं वापस
घर पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री को फीडबैक तो देते ही हैं. सो दिस वेरी वेरी